अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयशा गुड़िया व्लॉग्स। जी, मैंने आयशा के लिए सेल्फी रिंग लाइट ऑर्डर की है ताकि उसकी वीडियोज़ और अच्छे से बन सके, तो सोचा कि आपके साथ मिलकर शेयर करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। मैंने तो फिर हमने दराज से इसको ऑर्डर किया है, ये दराज से ऑर्डर किया हुआ है। तो मेरी चैटबॉक्स से बात हुई इस बंदे से कि थोड़ा अच्छी पैकिंग करे, लेकिन पैकिंग तो खैर अच्छी नहीं की उसने। बहरहाल इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि ऐसे के लिए जो रिंग लाइट मंगाई है उसको गिफ्ट पसंद आता है या नहीं, मुझे इसकी क्या हालत है अंदर से सब आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए अनबॉक्स शुरू करते हैं। पहले इसका स्टैंड निकालते हैं। पैकिंग तो खैर अच्छी है, अंदर भी गत्ता लगा है। अब जो चाह रहे हैं कि जो सामान हमने मंगाया है, अक्सर लोग कहते हैं कि दराज वाले जो है फेक ऑर्डर भेजते हैं, लेकिन अब तक मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा नहीं। अब ये देखते हैं कि उन्होंने क्या भेजा है, कभी सामान सही हुआ तो उम्मीद है कि सामान सही निकले और मेरी गुड़िया का जो गिफ्ट है वो सही हो, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि दराज पे फेक आइटम्स बहुत मिलते हैं। मेरा एक्सपीरियंस अब तक ऐसा रहा नहीं, तो इसलिए मैंने दराज से ऑर्डर किया है और उम्मीद है कि इस बार भी दराज जो है वो सही आइटम ही भेजेगा मुझे। तो पहले तो हम ये शायद स्टैंड है इसे ओपन करके देखते हैं कि किस तरह का स्टैंड है। 7 फिट का स्टैंड कहा था, बाकी एंड में हम इसका प्राइस भी आपको बताएँगे कि ये हमें कितने रुपए की मिली। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें ये बाहर मार्केट रेट से बहुत कम पे मिली। दराज का एक और फ़ायदा ये हुआ मुझे कि हमें मार्केट रेट से बहुत सस्ते में मिली। मार्केट में इसका प्राइस अप्रोक 1800-2000 रुपए का है, लेकिन दराज पे ये मुझे बहुत कम में मिला। तो चलें गाइस इसको ओपन करते हैं। अब ये चेक करते हैं। हाँ, ये ओपन हो गया ऐसे, देखते हैं क्या चीज़ है इसको। फ़िलहाल तो अभी हम देखें किस तरह की इसकी शेप है, फिर हम इसको खोल के भी चेक करेंगे ये कितना बड़ा है, इसका साइज़ कैसा है या नहीं। स्टैंड तो बहरहाल सही लग रहा है, इसको ओपन करके देखते हैं इससे। ये देखें गाइस, ये स्टैंड है इसका, देखते हैं इस तरीके से खुलेगा। ये यहाँ से इसका लॉक है, यहाँ से इसका लॉक इससे ढीला करेंगे तो फिर ये इससे इजीली खुल जाएगा, लॉक इजीली खुलता जा रहा है और ये नीचे आ जाएगा और ये इस तरीके से फिर ये लॉक दोबारा टाइट कर दें इस तरीके से। आई थिंक ये बैंड होगा और इस जहाँ आप चाहें वहाँ इसको एडजस्ट करके इसको रोक सकते हैं, थोड़ा डन कर दीजिए। अब हम रिंग लाइट देखते हैं जो मेन इसके लिए हमने मंगाया है रिंग लाइट, ताकि सेल्फी और इसका रिजल्ट वीडियो का अच्छा आ सके। तो हम इसको अनबॉक्स करते हैं। उम्मीद है कि अगर जिस तरह से स्टैंड निकला रिंग लाइट भी वैसी ही हो जैसे मंगाई है। तो 26 cm की रिंग लाइट है, 10 इंच की बनती है। 26 cm की रिंग लाइट का ऑर्डर था हमारा, डब्बे से तो इतना ही लग रहा है। अब इसको ओपन करेंगे तो पता चलेगा कि इसमें वही चीज़ है या नहीं। पैकिंग बहरहाल बहुत बेहतर है, अच्छे से ही पैक किया है, थोड़ा लूज था लेकिन फिर भी बेहतर है। हाँ, काफ़ी पैकिंग में काफ़ी खर्चा किया है, काफ़ी मेहनत से पैक किया है ताकि ये ख़राब ना हो। दराज की ये क्वालिटी अच्छी लगती है कि दराज में कोई चीज़ भेजी जाए तो और अच्छे, अगर सेलर अच्छा हो तो चीज़ अच्छे से ही पैक के लिए भेजी जाती है।
गाइस ये है रिंग लाइट। तो बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं कि क्या सेटअप है अंदर। जो मंगाया गया चीज़ है वही है मतलब चीज़, या कुछ और चीज़ आ गई? ऐसा लगता नहीं कोई और चीज़ आएगी, इंशाल्लाह बेहतर ही चीज़ आएगी। ये देखें, पहले ये चीज़ तो आएगी, मोबाइल होल्डर है, मोबाइल फिट कर सकेंगे। हाँ ये मोबाइल होल्डर है, इसको एडजस्ट वगैरह करके आई थिंक, हाँ ये देखें ये एडजस्ट होगा यहाँ से, और फिर आप मोबाइल वगैरह फिट करने के लिए आई थिंक ये रोटेटेबल भी है, ये रूट भी खाई थी। हाँ ये आई थिंक ये मुड़ता भी है, इसका जो वो सर्कल है वो राउंड भी हो रहा है, तो अपने हिसाब से एडजस्ट करके आप मोबाइल वगैरह लगा सकते हैं। और अब देखते हैं इसका मेन फ्रेम, ये आई थिंक रिंग लाइट को लगाने के लिए, ये इस पर रिंग लाइट आई थिंक बैठेगी, और ये भी मूवेबल है, तो लूज़ करके आप देखें ये रिंग लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, ये भी बेहतर है। और ये है अम्मा हमारा मेन रिंग लाइट, ये देखिए कुछ है, तो ये पैकिंग बहुत अच्छी है, अंदर से भी पैक हुआ है बिल्कुल। और ये रिंग लाइट का शेप है, 10 cm आई थिंक, हाँ 10 inch की लाइट है, बड़ी लाइट है। तो अब हम इसको पूरा संभल करके आपको हम इसको ऑन करके भी दिखाएंगे कि कितने शेड में चल रहा है और कितने कलर्स हैं इसमें। हमें कहा था कि 3 colors में ये शेड ओपन होगा, तो हम इसको अभी थोड़ी देर में इसको पूरा संभल करके आपको फिर दिखाते हैं कि ये कैसे संभल होगा। आई थिंक चार्जिंग केबल का है, तो घर में कोई एक्स्ट्रा चार्जर हो और उस पर आप लगा के ऑन कर सकते हैं आई थिंक, या फिर वो जो बैटरी पावर बैंक होता है उससे भी ऑन हो जाएगा। ये एक मैं अपना एक चार्जर मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, वो मैं लेके आता हूँ। देखें गाइस, एक एक्स्ट्रा चार्जर मेरे पास अवेलेबल था घर में, तो इसको इसमें प्लग इन करेंगे और हम प्ले करके देखेंगे कि इसको ये किस तरह का चल जाता है। ये देखें पूरा बेल्ट को पूरा देखें, हाँ यहाँ पे 3 joints हैं, ये पाइप भी एडजस्टेबल है, ऊपर चला जाता है, ये दूसरा पाइप है, ये इसको बॉल है जाके इसके रिंग लाइट ऊपर नीचे आगे पीछे जहाँ भी आप चाहे कर सकें, और ये इसका मोबाइल स्टैंड है। अब इसको हम ऑन करके देखें, ये देखें गाइस इधर आए, ये देखें ये इसमें पावर आ चुकी है, अब इसको हम ऑन करेंगे और ये लाइट ऑन हो गई है, 3 variations है। ये देखें डिम लाइट भी हो जाएगी, जितना डिम करना चाहें लाइट को डिम कर सकते हैं, फुल करना चाहें ये लाइट फुल हो गई है, और चेंज करना चाहें इसमें ये लाइट कलर चेंज हो सकता है। और ये देखें ये 3 colors हैं, ये देखें 2 shades ये हो गए, एक ये शेड है और एक दोनों को मिला के। आई होप मेरी गुड़िया को ये गिफ्ट अच्छा लगेगा, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मिलेंगे। हाँ सॉरी ये प्राइस बताना भूल गए, ये मार्केट में बेसिकली 1800 रुपये का है, कहीं 1600 रुपये का है, कहीं 1500 रुपये का है, लेकिन मुझे दराज में डिस्काउंट के साथ ये पड़ा है 1200 रुपये का। जी हाँ, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, आपको वीडियो पसंद आई होगी तो मेरी गुड़िया के लिए दुआ कीजिए।